asalaamu As alaikum everyone welcome to my youtube channel house of wisdom i just want to say something before coming to this topic i found out that people were only watching my videos they didn't subscribe my channel so it's my request to all of you to please do subscribe my channel if you haven't done it yet so लेट्स बेगन एजुकेशन एंड इम्पॉर्टेंस देखिए एजुकेशन इंतहाई अहम है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की एजुकेशन पे ही बेस्ड करती है क्यों क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है कंट्री की जब कंट्री न्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है जब न्यू गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री ऑन करती है तभी उसकी क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ती है और क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ही हमें ये मालूम होता है कि कंट्री ग्रो कर रही है या नहीं सो so, इस ग्रोथ के लिए एजुकेशन का होना इंतहाई अहम है बिकॉज बेसिक एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो इसी की बिना पे आप स्किल्स सीखते हो आपको लिखना आता है आपको पढ़ना आता है आप मज़ीद मोबाइल होते हो मतलब ये कि आप जब बेसिक एजुकेशन ले लेते हो तो आपको जो स्ट्रक्चर खड़ा करने में तकलीफ़ नहीं होती सो so, यही मिसाल है कि जब आपके पास एजुकेशन होती है तभी आप डिफरेंट फील्ड्स uh, की डिफ़रेंट तरीक़ों की स्किल्स सीख सकते हो सो so, एजुकेशन का एक बहुत इसेंशल रोल है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री उसके बाद क्रॉनिक पावर्टी को एरेडिकेट करने के लिए आपका एजुकेटेड होना इंतहाई अहम है क्रोनिक पावर्टी क्या होती है ये वो पावर्टी है जो जनरेशन बाय जनरेशन चलती है, रहती है लाइक like, बहुत सारी आपने फैमिलीज़ देखी होंगी जो हम कहते हैं कि ये पैदाइशी रईस हैं तो इसी तरीके से कुछ पैदाइशी गरीब भी होते हैं तो वो क्रॉनिक पावर्टी को डिफ़ाइन करता है कि आपकी जनरेशन बाय जनरेशन गुर्बत चलती आती है तो इसको रेडिकेट करने के लिए इसको रिमूव करने के लिए इसको ख़त्म करने के लिए हमें एजुकेशन चाहिए बिकॉज के जब आप एजुकेशन देंगे उन बच्चों को तो ही वो इनकम जनरेट कर सकेंगे अपनी फैमिली के लिए और फिर वो कुछ ना कुछ इस पावर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी अदरवाइज़ अगर आप एजुकेटेड नहीं होंगे तो आप वही लेबर वाला काम करेंगे आप वही गुरबत वाला काम करेंगे सो so, एजुकेशन एक लाजम पार्ट है आपकी इकॉनमी को पावर्टी से बचाने के लिए भी अब हम जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम कौन रन करता है किसके हाथों में पाकिस्तान की एजुकेशन बजट है कौन पॉलिसीज़ बना सकता है कौन फ़ैसले लेता है एजुकेशन सेक्टर को रन करने के लिए तो इसमें फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रोल है जो कि बाय फेडरल वो करिकुलम डेवलप करने में उसका रोल होता है और फाइनेंस करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को जबकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का भी रोल आ चुका है आफ्टर एटीन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें प्रोविंसेस को रोल दिया गया कि आप अपने अपने प्रोविंसेस के एजुकेशन को आफ्टर करें बेसिकली जो इनका रोल है प्रोविंस का इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन वो आपको आर्टिकल ट्वेंटी फाइव सेक्शन ए में मिल जाएगा जिसमें आर्टिकल कहता है कि द स्टेट शिल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन एज फाइव टू सिक्सटीन ईयर्स इन विच मैन और एज मे बी डिटर्मिन बाय द लॉ यानी कि यहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जो फाइव से सिक्सटीन ईयर्स के बच्चे हैं उनको इनरोल करना है स्कूलों में हंड्रेड परसेंट इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एवरी वन टू बी पार्ट ऑफ द स्कूल्स यानी कि ये एक स्टेट की जिम्मेदारी है कि हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए जो भी इस एज को बिलोंग करता है अगर हम स्ट्रीट्स में आज चिल्ड्रंस को देखते हैं तो वो इसलिए है कि गवर्नमेंट अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है इसीलिए कहा जाता है कि लॉज बने हुए हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और ये एक इसकी ज़िंदा मिसाल है सो so, फेडरल और प्रोविंशियल मिल के एजुकेशन सिस्टम को रन कर रहे हैं फेडरल का जो रोल है वो करिकुलम डेवलप करने का है जो कि एक और प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम का कि हमारा करिकुलम जो सलेबस है जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो आउटडेटेड है वो बहुत पुराना है वो न्यू मैथड्स को रिवील नहीं करता सो so, फेडरल भी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं इस्तेमाल कर रही और ना ही कोई फाइनेंसिंग हो रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्योंकि हमारे पास रिसर्च सेंटर्स की कमी है हमारे पास एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है हमारे पास लाइब्रेरीज़ नहीं है तो फिर फेडरल क्या कर रहा है किस जानेब हमारा जो बजट है एजुकेशन का वो जा रहा है इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क हम इसको भी हमें देखना होगा बट ओवरऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट दोनों ही का रोल है एजुकेशन सिस्टम uh, को चलाने में पाकिस्तान की अब हम आ जाते हैं कि एजुकेशन सेक्टर की परफॉर्मेंस क्या रही है एज़ पर द इंटरनेशनल क्राइटेरिया देखिए बहुत सारे डिफरेंट कॉम्पटिशनस होते हैं ओवरऑल वर्ल्ड वाइज़ जिसमें हम ये देखते हैं कि आपकी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स क्या हैं उसमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिशन है वो है पी का कॉम्पटिशन जिसमें पाकिस्तान ने आज तक कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया जबकि इंडिया ने 2009 में पार्टिसिपेट किया था एक और कंपटीशन है जिसका नाम है टी आई एम एस एस इट्स कॉल्ड ट्रेंड इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट्स पार्टिसिपेशन इन 2009 पहली बार पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया 2019 में जिसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब देखी क्योंकि वो बॉटम से सेकंड नंबर पे आए और उनके ट्वेंटी सेवन परसेंट जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने लो इंटरनेशनल बेंचमार्क को टच किया यानी कि जो सत्ताईस परसेंट थे उन्होंने सिर्फ लोएस्ट इंटरनेशनल बेंचमार्क को अचीव किया है जबकि जो बची हुई पॉपुलेशन है जिसमें आपके पास सेवेंटी सेवन परसेंट जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लोयस्ट को भी टच नहीं किया सो so ये एक बहुत अलार्मिंग साइन है पाकिस्तान की एजुकेशन क्वालिटी के लेवल्स पर हमारी एजुकेशन उस लेवल पे नहीं है जिस तरह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एजुकेशन दी जा रही है जबकि इस कंपटीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो अचीवमेंट है पाकिस्तान की वो ये है कि पाकिस्तान तीन कंट्रीज़ जो मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें बिलोंग कर रहा था यानी कि बाकी जो भी कंट्रीज़ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस कंपटीशन में 2019 में वो सब के सब हाई इनकम ग्रुप से बिलोंग करती थी अब ये इनकम ग्रुप कौन सेट करता है ये यू सेट करता है यूनाइट नेशन्स सेट करता है वो डिफरेंट कंट्रीज़ को डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो कैटेगराइज़ करता है इसी तरीके से हमारे पास एक क्यू एस ब्रिटिश का सर्वे होता है जिसमें वो डिफ़रेंट यूनिवर्सिटीज़ uh, को रैंक करती हैं ग्लोबली पाकिस्तान की पोजीशन क्या रही 2016 में वो ये है कि पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में नहीं रही जबकि 2021 में तीन यूनिवर्सिटीज़ टॉप 500 का पार्ट बन गई जो कि एक अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए जिसमें हमारे पास लम्स है हमारे पास के यू है एंड हमारे पास पी आई ई एस है ये तीन यूनिवर्सिटीज़ टॉप 500 हंड्रेड वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हैं अकॉर्डिंग टू द यू एस ब्रिटिश सऊबे सो ये एक अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए जबकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारी उस लेवल पे नहीं है जिस पे इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए इसके बाद हमारे पास पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसको 2015 में मिलीनियम गोल्स से कंपेयर करना था जबकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इन गोल्स के तहत नहीं रही हम फेल हो चुके कम्प्लीटली मिलीनियम गोल्स को अचीव करने में मिलीनियम गोल्स क्या थे मिलीयम गोल्स सिंपली यही थे कि हमें लिटरेसी रेट अचीव करना था एटी परसेंट का हम वो नहीं कर पाए हमें जेंडर पैरिटी को अचीव करना था यानी कि हमारी जो इनक्वालिटी है बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट उसको ख़त्म करना था हमें परफेक्ट इक्वालिटी uh, चाहिए थी वो हम नहीं कर पाए सो so, 2015 हज़ार पंद्रह के जो मिलीनियम जो गोल्स थे वो पाकिस्तान ने अचीव नहीं किए जबकि अब हमारे पास एस डी जी गोल्स हैं सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स अब ये 2030 को हमें अचीव करनी है इसका जो गोल नंबर फ़ोर है वो है क्वालिटी एजुकेशन की हिसाब से सो so, इसमें हमारे पास कौन से टारगेट्स हैं जो हमें अचीव करने हैं वो ये है कि हमें टोटल लिटरेसी रेट 80 परसेंट का अचीव करना है जबकि फ़ीमेल एंड मेल की जो बाइफकेशन है उसमें हमारे पास मेल की लिटरेसी रेट हमें 90 परसेंट अचीव करनी है जबकि फीमेल की लिटरेसी रेट सिक्सटी नाइन परसेंट अचीव करनी है जबकि हमारे पास जो फैसिलिटीज देनी है उसमें फिफ्टी थ्री परसेंट ऑफ स्कूल्स को हमें इलेक्ट्रिसिटी फरहम करनी है अब आप खुद ही देख सकते हैं कि फिफ्टी ऑफ स्कूल्स को इलेक्ट्रिसिटी देना ही हमें बाय ट्वेंटी हम इतना भी नहीं कर पाए हैं ये हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो अचीव करने हैं जबकि इसका हाफ जो परसेंट है स्कूल्स का उसको इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं मिलेगी कितनी बड़ी बात है इस ज़माने में देन हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन की फ़ैसिलिटीज़ भी हमें फ्राह्म करनी है सिक्सटी सेवन परसेंट ऑफ़ द स्कूल जितने भी हमारे पास स्कूल्स हैं पाकिस्तान में उसमें सिक्सटी सेवन परसेंट ऑफ़ द स्कूल्स को हमें टॉयलेट फ़ैसिलिटीज़ देनी है एंड ड्रिंकिंग वाटर उनको जो यूजेबल ड्रिंकिंग वाटर है वो फ्राह्म करना है इसी तरीके से हमारे पास जी पी आई एक इंडिकेटर होता है जो कि हमारे पास जेंडर पैरिटी इंडेक्स को हाईलाइट करता है कि हमारी पैरिटी एग्जिस्ट करती है जेंडर वाइज़ या नहीं यही बात हुई कि जो इनक्वालिटी है उसको रिमूव करना है इनरोलमेंट जो मेल एंड फीमेल का हो वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए कोई इसमें डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए यही टारगेट है पाकिस्तान का बाय ट्वेंटी थर्टी जिसको अचीव करना है पाकिस्तान को इन टारगेट्स को ही लेते हुए पाकिस्तान अपना बजट एलोकेट करेगी इसी तरीके से पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बनेंगी सो so यही वो गोल्स हैं जिसकी जानब पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज़ के डायरेक्शन लेके जानी है अब हम बात करते हैं हमारे पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम को कौन से चैलेंजेस हैं सबसे पहला इम्पोर्टेंट चैलेंज है इनवालिटी का क्यों क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में इनक्वालिटी डिफरेंट तरीक़ों से मिलती है चाहे वो जेंडर हो क्योंकि मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट में हमें क्लियरली गैप नज़र आता है हमारी फीमेल्स उतनी लिटरेट नहीं हैं जितनी होनी चाहिए जितने मेल्स हैं क्यों क्योंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जो है उसको कल्चरल लैक्स का सामना है हमारे पास एक ये टेबू है कि जो गर्ल्स हैं उनको घर संभालना है जबकि मेल को घर चलाना है सो उनके लिए एजुकेशन का होना लाजम है ताकि वो इनकम आन करें और घर को चलाएं जबकि पाकिस्तान के बहुत सारी पापुलेशन अब भी ये समझती है कि फ़ीमेल्स कुछ नहीं कर सकती वो एम्पावर्ड नहीं हो सकती मेल ही को ताकत है वो ही कमा सकता है फीमेल्स का इसमें कोई रोल नहीं बलोचिस्तान में अभी तक फ़ीमेल्स को घरों में बंद किया जाता है उनकी शादियां जल्दी करवाई जाती हैं उनको घर से बाहर नहीं निकाला जाता तो यही हैं जिसकी वजह से हमें जेंडर इनक्वालिटी पाकिस्तान में नज़र आती है कि हमारे ये जो बिलीव्स हैं हमें ये ले डूब ले डूबेंगे किसी दिन बिकॉज के इस तरह से हम जेंडर वाइज जो इंक्वा है उसको हम रिमूव नहीं कर सकते इसी तरीके से हमारे पास इनकॉलिटी है करिकुलम में क्यों क्योंकि हमारे पास सिलेबस डिफरेंट सिलेबस हैं डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स में हमारे पास कैम्ब्रिज सिस्टम में वहाँ पे डिफरेंट सिलेबस है लोग वहाँ पे ए लेवल्स कर रहे हैं ओ लेवल्स कर रहे हैं उनका बिल्कुल ही डिफरेंट सिस्टम है इसी तरीके से फेडरल सिस्टम है हमारे पास जिसमें हमारे पास बोर्ड्स आ जाते हैं उनके डिफरेंट सलेबस हैं फॉर मैट्रिक फॉर इंटर मीडियट एग्ज़ाम्स तो डिफरेंट सलेबस फिर हमारे पास मदरसाज आ जाते हैं उनके अलग सिस्टम से सो ये कब तक चलेगा सलेबस का इनिकल होना इस बात की निशानदगी है कि ये कल को जब बच्चे सब एक ही कंट्री में लेबर मार्केट में जॉब ढूंढेंगे तो इनकी स्किल्स में डिफरेंसेस होंगी और इन्हीं स्किल्स के डिफरेंस की, की वजह से वो कॉम्पटिशन से रिमूव हो जाएंगे वो कंपटीशन नहीं कर पाएंगे और उनको जॉब नहीं मिलेगी इसको हम बेसिकली कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो कि आपकी मिसमैच ऑफ स्किल्स की वजह से ही आपको अनएम्प्लॉयमेंट का फेस फास, जो है वो प्रॉब्लम फेस करना होता है क्योंकि आपकी स्किल्स उस लेवल की नहीं होती जो आपकी जो मार्केट है वो चाहती है इसका प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी जो कंट्री है उसमें जो एजुकेशन दी जाती है वो थोरेटिकल नॉलेज दी जाती है हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती जिसकी वजह से हमारी जो स्किल्स हैं वो वो नहीं होती जो मार्केट को चाहिए हमारा एजुकेशन सिस्टम इनलाइन नहीं है जो मार्केट को चाहिए हमें ये नहीं पता कि मार्केट को क्या चाहिए और हम करिकुलम क्या रख रहे हैं हम बहुत ही ओल्ड करिकुलम को चला रहे हैं हमारा बिल्कुल ही आउटडेटेड सिलेबस चल रहा है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि हम जब मार्केट में जाएंगे तो हमें वो जॉब्स नहीं मिल पाएंगी क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है जो हमारी स्किल्स हैं वो आउटडेटेड हैं वो पुरानी हो चुकी हैं मार्केट को चाहिए नहीं तो वो आपको क्यों पैसे देंगे और क्यों आपको वो जॉब पे रखेंगे सो so यही प्रॉब्लम्स हैं जो हमें कैटर करना है और इन को कैटर करेंगे तभी हम इस प्रॉब्लम से बच पाएंगे ताकि यूनिवर्सल करिकुलम हो यूनिवर्सल स्किल्स दी जाए, यूनिवर्सल एजुकेशन दी जाए ताकि हर बच्चे को सेम अपॉर्चुनिटी मिले कॉम्पिट करने के लिए इसी तरीके से रीजनल जो है वो इनक्वालिटी हमें दिखने को मिलती है पंजाब सबसे आगे चल रहा है एजुकेशन में इसी तरीके से सिंध केपी के एन बलोचिस्तान सबसे पीछे है सो so, ये रीजनल इनवालिटी भी हमें नज़र आती है क्योंकि बजट लेवल्स डिफरेंट हैं पाकिस्तान में फ्राम प्रोविंस टू प्रोविंस पंजाब को सबसे ज़्यादा एलोकेट किया जाता है बजट जबकि बलोचिस्तान को सबसे कम तो so, यही हम है हैं कि जिसकी वजह से हमारे पास रीजनल डिफरेंसेस नज़र आते हैं एजुकेशन सिस्टम में उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है पंजाब में बहुत सारे स्कूल्स हैं बलोचिस्तान में नहीं हैं डिस्टेंस पे स्कूल्स मिलते हैं आपको जिसकी वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हमारी जो लड़कियाँ हैं उनको इजाज़त नहीं मिलती कि आप डिस्टेंस पे जाएँ और वहाँ से आप एजुकेशन लेके कर आएँ बिकॉज स्कूल की कमी है वहाँ पर और ये क्यों है क्योंकि हमारे पास बजट उस तरह से एलोकेट नहीं होता और रीजनल डिस्पैरिटी हमें नज़र आती है इसी तरीके से हमारे पास अर्बन एंड रूरल डिस्पैरिटी भी है हमें अर्बन एरियाज़ में बहुत सारे अच्छे बच्चे नज़र आते हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी होती है जबकि रूरल है वहाँ पे ना टीचर्स अच्छे हैं ना उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है स्कूल्स में ना उनके पास बाउंड्रीज हैं स्कूल्स में ना एलैक्सरी है पता नहीं वो किस तरह से एजुकेशन ले रहे हैं तो इस डिस्पैरिटी को हमें ख़त्म करना है ताकि अर्बन हो या रूरल हो हमारा हर बच्चा एक ही तरह से पढ़ सके इस इस इनकवालिटी को ख़त्म करना है और फिर हमारे पास इनकम इनवालिटी है जिसकी वजह से हमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का प्रॉब्लम आता है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हमारे पास इनकम की डिस्पैरिटी है कुछ लोग इतना ज़्यादा कमाते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा एबसोल्यूट पावर्टी को फ़ेस कर रहे हैं तो वो क्यों कहेंगे कि हम एजुकेट करें अपने चिल्ड्रन को और किस तरह से करें इतनी कॉस्ट ऑफ़ एजुकेशन बढ़ गई है प्राइवेट स्कूल्स इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं गवर्नमेंट अपना रोल अदा नहीं कर रही तो किस तरह से वो एजुकेट कर पाएंगे तो इनकम गैप भी एक बहुत बड़ा जो है वो रीज़न है जिसकी वजह से हमें इस इनकवालिटी को फ़ेस करना पड़ रहा है कि हमारे बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं इस वजह से क्योंकि पेरेंट्स खाने में चाहते हैं कि हम अपना पैसा यूटलाइज करें इतनी महंगाई हो गई है हम किस तरह से जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं एजुकेशन को तो इसी वजह से हमारे पास काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात हो जाए कुछ जगहों पर रीजनल लैंग्वेज़ में सिंधी में पश्तों में पढ़ाया जाता है कुछ जगहों पर उर्दू में पढ़ाया जाता है और फिर जब एलिट स्कूल्स की बात आती है तो वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाया जाता है जब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफरेंट थे और हमें पता है कि पाकिस्तान में एजुकेशन और इंग्लिश की कितनी जो है वो इम्पॉर्टेंस है क्योंकि हम रिसेंटली हमने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देखा था कि जहाँ पे एक रेस्टोरेंट का सी थे वो जो है वो ह्यूमिलिएट कर रहे थे अपने मैनेजर को बिकॉज के वो इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहा था इवन तो उसका काम नहीं था इंग्लिश में पढ़ाना या इंग्लिश में बात करना वो अपनी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी होटल को मैनेज करने की वो कर रहा था बट इंग्लिश उसका इतना बड़ा बैरियर हो गया तो वो इतनी ज़्यादा उसको ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी सो इंग्लिश का होना या फिर यूनिवर्सल लैंग्वेज का होना इंपॉर्टेंट है इस इंक्वायरिटी को ख़त्म करना पड़ेगा नहीं तो हमारे जो बच्चे हैं उनको बाद में ये प्रॉब्लम्स फ़ेस होंगी किसी को इंग्लिश नहीं बोलनी आएगी तो उसको इतने सारे प्रॉब्लम्स फ़ेस करने पड़ेंगे अगर उसका स्कूल जो है वो सिर्फ रीजनल लैंग्वेज में ही उसको पढ़ा रहा है तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से ही पाकिस्तान की एजुकेशन बहुत पीछे है आई विल हैव टू गिव यू द प्रूफ हम मेरे पास डेटा मौजूद है पास डिकेट का हम इसको हम देखते हैं कि किस तरह से इनक्वालिटी जो है वो प्रवेल कर रही है डिफरेंट इंडिकेटर्स के थ्रू तो एक और इंडिकेटर है जो कि लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बहुत ही पुअर है बहुत ही पुअर है हम कभी भी सिक्सटी परसेंट से ऊपर नहीं गए हमारी चालीस परसेंट पॉपुलेशन अभी भी वही पापुलेशन है जिसको नाम लिखना नहीं आता जिसको अपना नाम पढ़ना नहीं आता जबकि हम अपने रीजन की बात करें चाहे वो ईरान हो इंडिया हो जो भी हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या एशियन जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनका लिटरेसी रेट हमसे बहुत अच्छा है हमारे लिटरेसी रेट अभी तक पुअर ही चल रहा है हम नहीं इम्प्रूव कर पा रहे उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं सो लेट्स टॉक अबाउट दिस यहाँ पे आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा होगा इसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो पिछले दस सालों की परफॉर्मेंस है रेट में वो क्या नज़र आ रही है हमने सिक्सटी परसेंट से ऊपर नहीं टच किया और ये बहुत ही अलार्मिंग साइन है पाकिस्तान के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या हैं इसके तो इसके रीज़न सिंपल हैं कि हमारी जो कंट्री है वो पावर्टी से उलझ रही है बहुत ज़्यादा ही महंगाई हो गई है इन्फ्लेशन रोज़ ही बढ़ती जा रही है गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो फिर एजुकेशन पे कौन जो है वो इन्वेस्ट करेगा लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं है वो किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और जिस तरह से कॉस्ट ऑफ़ एजुकेशन बढ़ गई है वो तो फिर नामुमकिन सा हो गया है एंड दैन अगर हम बात करें तो जो यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे स्कूल्स जो एजुकेशन दे रहे हैं वो भी उस क्वालिटी की नहीं है हम हम हर एक घर में देखते हैं कि अनएम्प्लॉयड बच्चे बैठे हुए हैं जिनके पास ग्रेज डिग्रीज़ हैं ग्रेजुएट्स हैं बट उनको जॉब्स नहीं हैं तो इस तरह से अगर काम होगा तो फिर किस तरीके से पेरेंट्स मोटिवेट होंगे कि वो अपने बच्चों को जो है वो एजुकेट करें जब यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस होगी जब पाकिस्तान में जॉब्स ही क्रिएट नहीं हो रही एजुकेशन उस लेवल की नहीं है जो आपको मार्केट uh, की स्किल्स दे सकें तो फिर यही प्रॉब्लम्स रहेंगी हम इलिटरेट ही रहेंगे हमारी पॉपुलेशन लिट्रेट नहीं रहे होगी फिर हमारे पास चाइल्ड लेबर का भी इशू है क्योंकि पाकिस्तान में लोग पुअर हैं उनमें पावर्टी है तो वो अपने बच्चों से काम करवाते हैं ताकि बहुत सारे हैंड्स मिलके घर की इनकम अर्न करें तो इस वजह से वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देते शुरू से ही उनका ये माइंड सेट है तो यही वो रीज़न् जिसकी वजह से हमारे पास जो लिटरेसी रेट है वो हम पुअर हो चुका है जबकि अगर हम ओवरऑल बात करें पास uh, परफॉर्मेंस की तो हमें नज़र आ रहा है कि फाइव इयर्स अगर हम पिछले देखें तो 2015 से लेकर 2019 तक कुछ इम्प्रूवमेंट आई है 58 परसेंट से 60 परसेंट तो इसका ये रीजन इसके रीज़न्स यही हैं कि हमारी सिक्योरिटी लेवल कुछ इम्प्रूव हुई है अब हमारी बच्चियाँ जो हैं वो कुछ सेफ़ हैं तो उनको इजाज़त मिल रही है घर से बाहर निकलने की एजुकेशन लेने की तो ये एक प्रॉबल रीज़न है इसी तरीके से एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को भी आ, बहुत हाईलाइट किया गया है क्योंकि एजुकेशन का होना बहुत इम्पोर्टेंट है आप चाहे जॉब मिले ना मिले लेकिन आपको उम्मीद ज़रूर होती है कि आपको एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन है आप कहीं पे काम ज़रूर कर सकते हैं आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो ये एक तरह से आपको एक उम्मीद ज़रूर दिलाती है तो इसकी वजह से भी बहुत सारे जो है लोग हैं वो मोटिवेट हुए हैं कि हमें एजुकेशन एटलीस्ट अपने बच्चों को देनी चाहिए चाहे उनको जॉब मिले ना मिले चाहे हमारी जिम्मेदारी तो पूरी हो और इसी तरीके से जो है वो बजट भी इम्प्रूव हो रहा है गवर्नमेंट की जानब से अब हम देखेंगे कि बेसिकली बजट किस तरह से इम्प्रूव हो रहा है किस रीजंस की वजह से हो रहा है बट एटलीस्ट बजट इम्प्रूव हुआ है पाकिस्तान की वजह की जानब से जिसकी वजह से ही हमें लिटरेसी रेट इम्प्रूव होता नज़र आ रहा है ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारा लिटरेसी रेट इम्प्रूव हुआ है पास्ट आ, कुछ इयर्स में और ये जो डेटा लिया गया है वो पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे से मैंने डेटा लिया था इसी तरीके से जब मैंने बात की इनवालिटी की तो फीमेल एंड मेल इक्वालिटी हमें ज़रूर नज़र आती है अगर आप इस ग्राफ में खुद ही देखें कि जो uh, Orange लाइन है वो आपको डिपेक्ट कर रही है मेल को और अगर आप फीमेल की जब बात करें तो वो आपको ग्रे कलर में नजर आ रही है अगर आप पूरे दस साल की बात करेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि फीमेल जो है वो उनकी लिटरेसी रेट बहुत कम है मेल की लिटरेसी रेट से तो ये एक प्रूफ है जो डेटा भी प्रूफ कर रहा है कि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो फीमेल का बहुत कम है मेल इन कंपैरिजन टू मेल सो so, इसके जो रीज़न्स हैं वो मैंने पहले बताया कि सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं गर्ल्स को और वहाँ पेरेंट्स भी जो हैं वो मोहतात हैं गर्ल्स को बाहर भेजने के लिए सो so, क्योंकि बलूचिस्तान में ये टेबू है अर्ली मैरिज़ हो जाती हैं वुमेंस की तो उनको एजुकेट नहीं कराया जाता और फिर हमें पता है कि हमारे जो स्पेशल टेबूज़ हैं जिसमें हमारे पास ये बिलीव्स हैं कि गर्ल को आगे चल के घर को संभालना है तो उनको क्यों एडुकेशन दी जाए तो यही वो है जिसकी वजह से हमें इनकॉलिटी को फेस करना पड़ रहा है मेल और फीमेल के कंपैरिजन में उसके बाद हम आते हैं प्रोविंशियल लिटरेसी रेट की जानब मैंने आपको तो पहले बताया कि रीजनल वाइज भी हमें इनवालिटी है और ये इसका प्रूव है अगर हम यहाँ पे देखें तो पंजाब की लिटरेसी रेट सबसे ऊपर चल रही है फिर हम सिंध को देख रहे हैं फिर के पी के को एंड देन फाइनली बलोचिस्तान को बलोचिस्तान और नीचे जा रहा है और ये इस वजह से जा रहा है क्योंकि उसका बजट बहुत ही कम है जबकि पंजाब को हमेशा से सबसे अच्छा बजट मिला है और वो स्कूल ओपन कर रहा है अपने स्कूल्स को फैसिलिटेट कर रहा है विद डिफरेंट फैसिलिटीज़ तो उसकी वजह से ये इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आ रही है फिर हमारे पास मेल लिटरेसी रेट में भी इनवालिटी है प्रोविंस की जानेब सबसे जो है वो ऊपर जो है वो पंजाब और के पी के हैं फिर हमें जो है वो सिंध एंड बलूचिस्तान नज़र आ रहा है तो यहाँ पर भी इनक्वालिटी हमें नज़र आ रही है मेल लिटरेसी रेट में विथ रीजन्स तो आप देख सकते हैं कि जेंडर इनवालिटी हो या फिर हमें रीजनल वाइज इन जो है वो हर जगह नज़र आ रही है फिर फीमेल में भी हमें जो है वो इक्वालिटी नज़र नहीं आ रही सबसे ऊपर पंजाब है फिर हमारे पास सिंध है फिर के पी के है एंड बलोचिस्तान है क्योंकि के पी के एंड बलोचिस्तान में जो है वो पठान फैमिली ज़्यादा हैं वो ये नहीं प्रेफर करते कि उनकी जो जो लड़कियाँ हैं वो घर से बाहर जाएँ उनकी मैरिज़ बहुत अर्ली हो जाती हैं सो इस वजह से ही जो ये हैं कि हमें बलोचिस्तान और के पी के की जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो हमें कम नज़र आती है जबकि सिंध में पंजाब इन कंपैरिजन हमें कम नज़र आती है अब हम बात करते हैं कुछ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की देखिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स से जो है वो मेजर होती है जिसमें हमारे पास एक पैरामीटर है हु कैन रीड इंग्लिश सेंटेंस यानी कि इंग्लिश सेंटेंस रीड करना किसको आता है अब ये एक सर्वे होता है और उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो हमें ऐसा रिपोर्ट में जमा होकर मिलते हैं वहाँ से ही मैंने ये डेटा उठाया है यहाँ पे रूरल एंड अर्बन का कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे भी हमें इनकी क्वालिटी नज़र आ रही है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी हमें अर्बन और रूरल में एक डिफरेंस क्लियर सा नज़र आ रहा है अब मैं आपको बताता चलूँ ये क्लास फाइव के बच्चों से जो है वो सेंटेंसेस पढ़ाए गए हैं सर्वे के थ्रू जबकि वो जो सेंटेंसेस थे वो ग्रेड टू के सेंटेंसेस थे यानी कि बच्चा क्लास फाइव में है लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड चेक किया जा रहा है वो क्लास टू का स्टैंडर्ड चेक किया जा रहा है फिर भी हम अगर नज़र डालें इस ग्राफ पे कि सेवेंटी परसेंट स्टूडेंट्स ने सही रीड नहीं किया इंग्लिश यानी कि उनको पढ़ना तक नहीं आ रहा इंग्लिश क्लास टू की इंग्लिश जो क्लास फाइव में बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है पाकिस्तान की चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो इन कंपैरिजन टू रूरल एंड अर्बन अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि रूरल का जो क्वालिटी है वो अर्बन से कम है अर्बन वाले बच्चे फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सिक्सटीज़ को उन्होंने टच किया है जबकि जो रूरल वाले बच्चे हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फिफ्टी फाइव परसेंट को ही टच किया है वो भी दो हज़ार उन्नीस में और यही हमें नज़र आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स है वो भी बहुत पुअर होती जा रही है अगर हम बात करें टीचर्स की तो उनकी जानब से ही इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है उनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो इतनी पुअर होती है कोई मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट नहीं हो रही जिसकी वजह से हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जाहिर है कि उनको एजुकेशन देने वाले ही जाहिल होंगे तो फिर वो क्या सीखेंगे ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमें इस डिफरेंस का एजुकेशन क्वालिटी में फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वहाँ पे सही तरह से जो है वो कंप्यूटर लैब्स नहीं हैं आपको ट्वेल्थ फैसिलिटी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी नहीं, नहीं है तो जब आप इन्वायरमेंट लर्निंग एन्वायरमेंट नहीं फ़राहम करेंगे तो फिर ऐसे ही रिजल्ट्स आएंगे और ये डिस्पैरिटी तो हमेशा से ही कायम है और हमें ये रिज़ल्ट शो भी कर रहे हैं इसी तरीके से अगर हम देखें कि प्रोविशल वाइज़ भी हमें एक डिस्पैरिटी नज़र आ रही है कि सबसे ज़्यादा जो परफॉर्म करने वाले बच्चे हैं वो इस्लामाबाद और पंजाब के हैं उसके बाद हमें नज़र आता है कि के पी के, के, के हैं फिर हमें नज़र आता है बलूचिस्तान के और सबसे घटिया परफॉर्मेंस जो है वो सिंध की है स्पेशली इन इंग्लिश यानी कि सिंध के जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आ रही और ये सबसे इम्पॉटेंट इसका रीज़न ये है कि जो टीचर पढ़ाने वाले हैं उनको भी इंग्लिश बोलना नहीं आती तो जब वो पढ़ाने वाले ही ऐसे हैं तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे और ये इनक्वालिटी हमें यहाँ पे भी रिवील हो रही है और इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात हो रही है कि हु कैन डू अ डिविज़न तो यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है कि अर्बन के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है रूरल के स्टूडेंट्स से तो ये डेटा भी से भी हमें रिवील हो रहा है कि ओवर टाइम जो है वो अर्बन वालों ने अच्छा परफॉर्म किया है इन मैथमेटिक्स एज वेल और इसी तरीके से हम प्रोविंशियल वाइज देखें तो यहाँ पे भी सिंध सबसे पीछे चल रहा है उसके बाद फिर बलोचिस्तान पीछे चल रहा है और सबसे ऊपर इस्लामाबाद और पंजाब ही हैं तो अगर हम इस ट्रेंड्स की बात करें प्रोविंशल वाइज तो पंजाब हो या इस्लामाबाद हो फेडरल हो गया इनकी परफॉर्मेंस ही क्यों ऊपर जा रही है इसका सिंपल एक ही रीज़न है बजट का हमारे जो बजट है वो साइज़ वाइज एलोकेट होता है जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी जितनी वाइज़ आपकी एरिया होगी उतना आपको बजट एलोकेट किया जाएगा जाहिर है कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपका बजट बहुत पुअर होगा तो फिर आप किस तरह से इम्प्रूवमेंट ले आ सकते हो क्योंकि जहाँ यहाँ तक मुझे मालूम है कि करप्शन है पाकिस्तान में चेक एंड बैलेंस नहीं है और जो कुछ इन्वेस्ट हो रहा है वो भी सही तरीके से नहीं हो रहा तो किस तरह से इम्प्रूमेंट आएगी और फिर हमारे पास घोस्ट स्कूल्स भी हैं यानी कि जो पेपर पे स्कूल्स हैं लेकिन वो चल नहीं रहे वहाँ पे गधे गोरे जो हैं वो स्कूल्स में उन्होंने भर्ती किए हुए हैं टीचर्स मौजूद नहीं हैं बच्चे मौजूद नहीं हैं बस वो ऑन पेपर स्कूल्स मौजूद हैं जिसको पाँच साल के बाद जो है वो गवर्नमेंट विज़िट करती हैं और देखती हैं दैट्स इट इस तरह से काम नहीं चलेगा फिर हमारे पास एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं यूज़ेबल वाटर फैसिलिटी टॉयलेट फैसिलिटी बाउंड्री वॉल और कंप्यूटर लैब्स इसकी जानब से भी मैंने डेटा कलेक्ट किया है वो भी हमने ऐसे रिपोर्ट से ही डेटा कलेक्ट किया और हमने ये देखा बेसिकली कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स हैं इन फैसिलिटीज़ की जानब से भी तो हमें नज़र आया कि जो गवर्नमेंट के जो रूरल स्कूल्स हैं और इसी तरीके से प्राइवेट के जो रूरल उसकूल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कम्पेटिवली अर्बन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो अर्बन स्कूल्स हैं उससे कम ही यहाँ पे भी अर्बन स्कूल्स चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे वो प्राइवेट के हों वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप ग्राफ में ख़ुद देख सकते हैं और रूरल uh, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स से इफ़ यू कम्पेयर गवर्मेंट व गवर्नमेंट स्कूल्स तो आप अर्बन देख सकते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इसी तरीके से जो है वो गवर्नमेंट के जो रूरल स्कूल्स हैं वो कम परफॉर्म कर रहे हैं इसी तरीके से जो प्राइवेट अर्बन स्कूल्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं प्रोविज़न ऑफ वाटर फैसिलिटी की जानब से यानी कि जो वाटर है एक बेसिक फैसिलिटी है वो स्टूडेंट्स को देना चाहिए अगर नहीं होगा तो किस तरीके से बच्चे पढ़ेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है जिसको हमें देना चाहिए और ये इनक्वालिटी हमें नज़र आ रही है कि फैसिलिटीज़ में भी इनक्वालिटी है इसी तरीके से टॉयलेट फैसिलिटी जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस्पेशली फॉर गर्ल्स हमें पता है कि गर्ल्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं अगर फैसिलिटी टॉयलेट की नहीं होगी तो फिर वो किस तरह से पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चियों को घर जो है वो, वो स्कूल्स भेजेंगे आप खुद देख सकते हैं कि गवर्नमेंट अर्बन और गवर्नमेंट रूरल में कितना गैप है और इसी तरीके से प्राइवेट रूरल और अर्बन प्राइवेट के स्कूल्स में भी डिफरेंसेस हैं अच्छी बात यह है कि जो अर्बन प्राइवेट हैं उन्होंने 2019 में 100 परसेंट को टच किया जो कि अच्छी बात है और बट ओवरऑल हमें नज़र आ रहा है कि इनकालिटी स्टिल एग्जिस्ट कर रही है और फिर हम बात करते हैं बाउंड्री वॉल की यानी कि छत उस स्कूल को होना चाहिए फिर छत की बात करें तो हमें नज़र आ रहा है कि अर्बन एरियाज़ में छतें अच्छे तरीके से बनी हुई हैं स्कूलों की जबकि गवर्नमेंट के स्कूल्स हो गए प्राइवेट स्कूल्स हो गए रूरल एरियाज़ में उनकी बाउंड्री वॉल्स भी नहीं हैं ये गैप है हमारी फैसिलिटीज़ में जो हमारा इन्वामेंट लर्निंग इन्वामेंट है वो हमें नज़र आ रहा है कि कितना पुअर है पाकिस्तान का इस डेटा से रिवील हो रहा है अगर हम कंप्यूटर लैब फैसिलिटी में देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है प्राइवेट स्कूलों से जो कि एक ख़ुशाइन बात है क्योंकि पाकिस्तान एक डिजिटल मुल्क बनने जा रहा है तो गवर्नमेंट इस हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर रही है कि प्राइवेट जो कंप्यूटर लैब्स हैं वो गवर्नमेंट अर्बन स्कूल्स में जो है वो ज़्यादा हैं इसी तरीके से रूरल में भी गवर्नमेंट की जानब से ज़्यादा नज़र आ रही हैं जो कि एक अच्छी ख़ुशाइन बात है यहाँ पे टीचर्स की क्वालिटी की बात हो रही है अगर हम क्वालिटी की टीचर्स की बात करें जो तो ट्रेंड टीचर्स हैं प्राइमरी एजुकेशन देने वाले वो कम से कम होते जा रहे हैं लास्ट टेन इयर्स में अगर हम इसका चार्ट देखें तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है उसका रीज़न क्या है इसका रीज़न सिंपली ये है कि जो ट्रेनिंग पाकिस्तान में दी जा रही है ना वो भी अच्छी नहीं है क्योंकि ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो कुछ ही अर्से का होता है कुछ Uh, दो महीनों का एक साल का और एक साल में क्या ट्रेन कर पाओगी टीचर्स को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसी तरीके से जो ट्रेनिंग दी जाती है वो एक छोटे से करिकुलम की दी जाती है आप इतना वास्ट करिकुलम है उसको किस तरीके से कवर करोगी तो जो आपके जो ट्रेन टीचर्स हैं वो भी सही नहीं हैं यहाँ पे तो बात हो रही है कि जो ट्रेन टीचर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं यानी कि अन टीचर्स भी हमारे जो स्कूल्स में हैं वो पढ़ा रहे हैं ये क्यों हो रहा है क्योंकि रिक्रूटमेंट जिनको सिलेक्शन जो है किया जा रहा है वो एक करप्शन की वजह से किया जा रहा है ब्राइबरी की वजह से किया जा रहा है पाकिस्तान में हमने ये सुना हुआ है कि पाकिस्तान में जॉब्स जो हैं वो पैसे की वजह से मिलती हैं और हमें नज़र भी आ रहा है कि अगर इस तरीके से रिक्रूटमेंट होगी तो फिर हमें ऐसे ही रिजल्ट्स नज़र आएंगे क्योंकि मेरिट बेस्ड आपकी जो है रिक्रूटमेंट नहीं हो रही और इवन रिक्रूटमेंट हो भी रही है तो वो पुअर स्टैंडर्ड्स से हो रही है आपकी जो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है वही इतना अच्छा नहीं है आप इतनी छोटी सी क्वालिफ़िकेशन पे ही किसी को जॉब दे देते हो तो इस तरीके से नहीं चलेगा हमें पाकिस्तान के जो टीचर्स हैं वो अच्छे से अच्छे फराम करने होंगे उस स्कूलों को ताकि वो अच्छी एजुकेशन दे सकें बच्चों को ताकि वो एक इंटरनेशनल मकाम पे अच्छा परफॉर्म करें हमारी क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन इसी तरीके से इम्प्रूव होगी अगर हमारे टीचर्स इंप्रूव होंगे और फिर हमें नज़र आ रहा है कि आउट ऑफ स्कूल का भी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में क्यों क्योंकि आउट ऑफ़ स्कूल इसलिए है कि बहुत सारे जो है वो प्रोविंसेस हैं जहाँ पे अच्छे तरीके से बजट नहीं दिया जा रहा और इसी तरीके से जो है वो पावर्टी बहुत है पाकिस्तान में स्कूलों की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है फिर हमें नज़र आता है कि इनकम इनक्वालिटी है बहुत सारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते अपने बच्चों को तालीम दिलाना सो यही वो हैं जिसकी वजह से अगर हम देखें तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बहुत हैं यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ग्राफ की तो हमें नज़र आ रहा है कि रूरल में आउट ऑफ़ स्कूल जो चिल्ड्रन है वो कम तो हो रहे हैं लेकिन स्टिल अर्बन की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है यानी कि जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे पावर्टी ज़्यादा है चाइल्ड लेबर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है इस वजह से जो है वो बच्चे आपको सड़कों पे ज़्यादा मिलेंगे अर्बन एरियाज़ के कंपैरिजन में लेकिन अर्बन में भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं बिकॉज़ पावर्टी बहुत ज़्यादा है लोग अफोर्ड नहीं कर पाते एजुकेशन को इसी तरीके से प्रोविनशल वाइज़ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माशाला से बलोचिस्तान सबसे आगे नज़र आ रहा है क्योंकि थर्टी फाइव परसेंट से ऊपर जो बच्चे हम नज़र आ रहे हैं दो हज़ार सोलह में जो कि आउट ऑफ स्कूल हैं यानी कि वो स्कूल ही नहीं जाते उनको जाना चाहिए फिर हमारे मोहतरम सिंध नंबर सेकेंड पर है यानी कि जो बुरे रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पे ये लीड कर रहे हैं जबकि पंजाब हमें यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है और इस्लामाबाद वो आखिर में नज़र आ रहे हैं क्योंकि नज़र आ रहा है कि वहाँ के बच्चे जो हैं वो इनरोल्ड हैं वहाँ वहाँ के बच्चे लिटरेट हैं जो हमें पहले भी पता चला जब हमने लिटरेसी रेशियो को देखा सो so ये आउट ऑफ स्कूल का प्रॉब्लम हो गया क्वालिटी ऑफ टीचर्स का प्रॉब्लम हो गया या फिर हमें लिटरेसी रेट का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर हमें गोस्ट स्कूल्स का प्रॉब्लम हो रहा है इनकॉलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है ये सारे वो कंसर्नस हैं जो हमारे एजुकेशन सेक्टर को हो रहे हैं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे पास वाटर फैसिलिटी हमारे पास लाइब्रेरीज हमारे पास कंप्यूटर लैब्स हमारे पास जो है वो बाउंड्री वॉल्स ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मौजूद करप्शन ज़्यादा है हमारे पास जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा आप बजट एलोकेट करते हो क्या वो बजट सही तरीके से एलोकेट हुआ नहीं हुआ क्या स्कूल्स बने ना बने कोई देखने वाला नहीं है इन प्रॉब्लम्स को कैटर करना इम्पॉटेंट है और फिर एक और प्रॉब्लम जो पाकिस्तान को एजुकेशन सेक्टर के हिसाब से हो रहा है वो ये है कि पाकिस्तान का जो एच ई सी है हायर एजुकेशन कमीशन उसकी भी परफॉर्मेंस बहुत बहुत बहुत, बहुत पुअर है इसकी मिसालें कुछ इस तरह से हैं कि एच ई सी को एक रिपोर्ट जारी करनी होती है हर साल दो हज़ार चौदह की रिपोर्ट एच ने 2017 में छाया की है यानी कि वो तीन साल के बाद रिपोर्ट छाया कर रही है और वो रिपोर्ट इस तरह से है कि जो एजुकेशन पॉलिसी है जो एजुकेशन बजट है उस रिपोर्ट के स्टैट्स को देखते हुए की जाती है प्लानिंग अगर वो रिपोर्ट ही नहीं होगी तो फिर किस तरह से प्लानिंग होगी तो ये हमारे नज़र आ रहा है कि एटीट्यूड है एच का और इसी तरीके से एक और मिसाल है कि एच ने आ, कुछ साल पहले पीएचडी जो है वो प्रोग्राम्स लॉन्च किए ताकि जो है वो पी एच बढ़ाई जाएं इस्कॉलर्स बढ़ाए जाएं मगर हुआ क्या 2016 में जो पीएचडी जिन्होंने करी इतने लाख भर के उन्होंने ये प्रोग्राम की फैसिलिटी ली इतने ज़्यादा पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया फिर उनको जॉब ही नहीं मिली यानी कि आपने प्रोग्राम्स लॉन्च कर लिए लेकिन उनको जॉब कौन देगा क्या आपको वो नीट थी जो आपने वो प्रो, प्रोग्राम्स लॉन्च किए तो इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम था एच सी का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हमारे इंस्टीट्यूशन से परफॉर्म सही नहीं कर रहे और फिर हमारे पास गवर्नमेंट का बजट है जो हमें नज़र आ रहा है कि एक इंक्रीजिंग ट्रेंड शो so, कर रहा है हावेवर ये इंक्रीजिंग ट्रेंड मैं आपको बताता चलूँ कि ये करंट एक्सपेंडिचर की वजह से ही दो किस्मों के एक्सपेंडिचर होते हैं जो मिला के टोटल एक्सपेंडिचर बनते हैं जिसमें हमारे पास करंट एक्सपेंडिचर होता है और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर स्कूल्स को बनाता है डिफरेंट जो है एसेट्स क्रिएट करता है जबकि जो करंट एक्सपेंडिचर है वो सैलरीज देने में मदद करता है जो एडमिन एडमिन जो है आ, जो स्कूल्स को रन करते हैं उनको फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है अब यहाँ पे मसला क्या है कि करंट एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है क्यों क्योंकि इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ती है तो जाहिर है कि सैलरीज अगर आपकी उतनी रहेंगी तो आप उतने गुड्स नहीं बाय कर सकती आपको महंगाई को कैटर करने के लिए आपको जो है तनख्वाहें भी बढ़ानी होती हैं तो जब वो तनख्वाहें बढ़ेंगी तो आपका करंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और इसी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर हमें बढ़ता नज़र आ रहा है मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि शार्प राइज इन कंज्यूमर प्राइज़ इंडेक्स जो कि एक इन्फ्लेशन को शो करता है सी जिसकी वजह से ही जो है ये जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन इस्पेशली 2016 और 2017 के बीच में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा शार्प राइज हुआ 3.5 से 7 परसेंट तक वो चला गया और फिर इसी तरह से इसमें जो है लैपटॉप स्कीम भी आई थी तो उसको भी बजट एलोकेट करना था इसी तरीके से पंजाब ने 30 परसेंट का जो है वो बजट इंक्रीज़ किया एजुकेशन सेक्टर में इसी तरीके से सिंध ने तेरह का इंक्रीज़ किया बजट तो so, ये सारे रीज़न्स थे कि 2016 और 2017 के बीच में हमारे पास ज़्यादा टोटल एक्सपेंडिचर नज़र आ रहा है फिर हमने अभी बात की करंट एक्सपेंडिचर की तो करंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जा रहा है जबकि आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है लेकिन फिर वो दो में कम हुआ है और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बाय नंबर्स बहुत कम है करंट एक्सपेंडिचर से यानी कि जो कंट्री की डेवलपमेंट है जो स्कूल्स बनाने की और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस खोलने की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत कम है जबकि जो स्कूल्स चल रहे हैं उनकी जो एडमिन की जो सैलरीज हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉज की सैलरीज हैं उनकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको पूरा करने में हम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं सो so, यही रीज़न्स हैं कि हमारी जो एजुकेशन है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है सबसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एजुकेशन एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ जी डी पी टू पॉइंट फोर परसेंट ऑन एवरेज हम खर्च कर रहे हैं जबकि हमारे जो रीजन कंट्रीज़ हैं उनके हमसे बहुत ज़्यादा हैं इवन दो हज़ार नौ की पॉलिसी में पाकिस्तान ने ये लिखा कि हम सात परसेंट जो है वो जी डी पी का एजुकेशन में लगाएंगे अभी तक आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ पूरी के पूरे दस सालों में कहीं पर भी तीन परसेंट भी नहीं है तो so ये नज़र आ रहा है कि आप पॉलिसीज़ बनाते हैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते इसी तरीके से हम मैंने आपसे पहले बात की कि मिलीनियम गोल्स थे जो हमने 2015 तक अचीव नहीं किए उसके बाद भी हमने एक्सपेंडिचर बढ़ाया नहीं जब आप बजट ही एलोकेट नहीं करेंगे आपकी प्रायोरिटी ही एजुकेशन नहीं होगी तो किस तरह से आप इंप्रूवमेंट लेके आएंगे आपकी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सही नहीं है तो किस तरह से आप इंप्रूवमेंट लेके आएंगी सो so, अगर मैं यहाँ पर आपको तो बात करूँ कि पाकिस्तान कहाँ पे पैसा लगाता है तो वो डिफ़ेंस है सिक्सटीन परसेंट ऑफ जी डिफ़ेंस में जाता है तो यही हमें नज़र आ रहा है कि हमारा एटीट्यूड क्या है एजुकेशन की जानब से सो so, इसको हमें सही तरीके से जो है वो कैटर करना होगा इशू को अगर हमें एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करना है ये एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का कि लो एजुकेशन बजट हम एलोकेट करते हैं ये भी एक बहुत चैलेंज है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का जो कि हमें डेटा से भी रिवील हो रहा है फिर प्रोविन्शल वाइज़ हमें डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं इनकॉलिटी बिने जिस तरीके से बात की एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा पंजाब को दिया जा रहा है फिर हमें नज़र आ रहा है कि सिंध और फिर हमें नज़र आ रहा है खैबर पखतुखा एंड देन फाइनली हमें जो नज़र आ रहा है वह बलूचिस्तान क्यों क्योंकि एरिया वाइज सबसे बड़ा प्रोविंस पंजाब पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा तो पंजाब को ज़्यादा मिलेगा जबकि हम नीड बेस्ड एलोकेशन नहीं कर रहे बलूचिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसके पास हमने देखा कि फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं वाटर फैसिलिटी नहीं दी स्कूल्स नहीं हैं वहाँ पे इनमेंट रेशो उतना नहीं है फिर भी हम बलूचिस्तान को पीछे ही रख रहे हैं तो ये जो डिफरेंसेस हैं बजट एलोकेशन में यही रीजंस हैं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ओवरऑल इम्प्रूव नहीं हो रहा है नहीं ख़त्म हो रही इसको जो है ख़त्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और यही कुछ है कि हम बजट अगर हम आ, सही तरीके से एलोकेट करें तो ही हम आ, जो है इसको सही कर सकते हैं बाकियों में भी आप देख सकते हैं कि करंट एक्सपेंडिचर में भी यही इनक्वालिटी है और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी सबसे ज़्यादा पंजाब को ही दिया जा रहा है अब हम बात करते हैं रिकमेंडेशंस की आखिर इम्प्रूव इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से किया जा सकता है स्पेन लाइक साउथ कोरिया आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो हमने पहले बात की थी पी आई एस ए कॉम्पटिशन की वहाँ पर कंटिन्यूसली साउथ कोरिया टॉप फाइव कंट्रीज़ में मौजूद है उनकी एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है वो क्यों है क्योंकि साउथ कोरिया ने ये रियलाइज़ किया कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो इतने नहीं हैं तो हम अपना जो ह्यूमन है जो हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है हम उस पर वर्क कर सकते हैं हम उसको अच्छा करने में मदद कर सकते हैं थ्रू बजट तो उन्होंने क्या किया उन्होंने 1954 की जो बजट थी उसको सिक्स टाइम्स बढ़ा दिया इतना इम्प्रूव किया उन्होंने अपना बजट जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना ऊपर चला गया उन्होंने अच्छे से अच्छे टीचर्स हायर किए स्किल्स दी ट्रेन किया उनको और फिर हमें रिजल्ट्स नज़र आए कि उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ऊपर चला गया हमें भी इसी तरीके से पाकिस्तानी रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं स्पेशली करंट डेफिसिट का प्रॉब्लम जिस जिसमें हम देखते हैं कि हमारे इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं क्यों क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मशीनरी है जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं वो हम बाहर से मंगवाते हैं क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं है हम कोई इन्वेंशन ही नहीं कर पा रहे हमारे पास रिसर्च सेंटर्स नहीं हैं जो हम कुछ बना सकें जो हम कुछ सोच सकें हमारे पास ये कल्चर ही नहीं है और इस कल्चर को बनाने के लिए हमें पैसा लगाना होगा हमें अच्छे से अच्छे बजट फ्राहम करने होंगे एजुकेशन सेक्टर को ताकि हम जिस तरह से कोरिया ने इम्प्रूव किया हम भी इम्प्रूव कर सकें ये रियलाइजेशन हमें लानी होगी और इसी तरीके से डिलीवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान के ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हर बच्चे को आपको एजुकेशन देनी है फाइव ईयर्स से लेके कर सिक्सटीन ईयर्स के बच्चे का जो एजुकेशन का ज़िम्मा है वो गवर्नमेंट का है मगर आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे चाहे वो अर्बन एरियाज़ हों या रूरल एरियाज़ हों, हमने डेटा में देखा कि आउट ऑफ स्कूल थे यानी कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस अपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं हमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right बच्चों को देना होगा तो ही हम इम्प्रूव कर सकते हैं यानी ये किस तरह से होगा कि हम गवर्नमेंट्स को यही कह सकते हैं कि वो बजट को इम्प्रूव करें स्कूल्स बनाएं बच्चों को पकड़ पकड़ के स्कूलों में डालें आप पुलिस से काम लें आप वहाँ पे जो भी आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं स्ट्रीट्स में आप उनके पेरेंट्स से बात करें उनको गिरफ़्तार करें लॉ में लिख दें कि अगर हमने कहीं पे भी कोई जो है वो बच्चा देखा जो कि स्कूल में नहीं होगा तो हम उसको अरेस्ट करेंगे तो इस तरह से आपको हाश जो है वो लॉज बनाने होंगे तभी आपका जो है वो एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा इसी तरीके से हमारे पास जैपनीज़ सिस्टम है जैपनीज सिस्टम क्या करता है जैपनीज सिस्टम आपके जो बच्चे का जो फेयर है वो ख़त्म करता है वो उसको कंपटीशन से हटा के उसको लर्निंग की जानब उसका जहन मुतवजा करता है वो क्या करता है कि चार जो क्लास से बच्चे हैं उससे कम जो बच्चे हैं उनका एग्जाम ही नहीं लेता यानी कि कोई कंपटीशन नहीं है कोई एग्ज़ाम नहीं होगा फोर्थ क्लास से बच्चे का एग्जाम नहीं होगा उससे भी कम जो क्लासेस हैं वन एंड टू एंड थ्री उनका भी एग्जाम नहीं होगा इससे क्या होगा बच्चे को इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि एजुकेशन हम ले क्यों रहें हम मार्क्स को कंपेयर करने के लिए एजुकेशन नहीं लेते कि भाई मैं मेरे मार्क्स अच्छे हैं तो मैं तुमसे अच्छा हो गया ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर यह बताया जाता है कि पढ़ो सीखो बनाओ इन्वेंट करो समझो कि एजुकेशन हम ले क्यों रहे हैं एक पर्पज़ है उसका ये नहीं पर्पज़ कि हम जो है वो सिर्फ कॉम्पटिशन करें और एक दूसरे को नीचा दिखाएं यहाँ पे तो कंपटीशन भी इस तरह से होता है कि मार्क्स जिसके ऊपर आ भी गए तो वो मेमोराइजेशन की वजह से होते हैं यहाँ पे चेक इन बैलेंस जो एवेल्यूशन क्राइटेरिया है वो इतना पुअर है तो हमें जापान से सीखना चाहिए कि हमें एक लर्निंग इन्वामेंट बच्चों में क्रिएट करना चाहिए जो फेयर है कि हम फेल होंगे क्या होगा ये ख़त्म करना चाहिए एग्जाम्स ही नहीं होंगे तो फिर ख़त्म हो जाएगा सो so, हमें यह सीखना चाहिए कि ऐसे ए, सिस्टम्स बनाएं ताकि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को रिवील किया जा सके बच्चों में और एक अच्छी लर्निंग देनी चाहिए ताकि वो बड़े होके इन्वेंशनस करें पाकिस्तान के लिए फिर हमें करिकुलम को रिविज़िट करना चाहिए क्योंकि हमारा करिकुलम बहुत पुराना है हम अभी तक देख रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर टेक्स्ट बुक्स में फ़्लॉपी डेस्क पढ़ाया जा रहा है जबकि आप उसका कोई रोल नहीं है डिफरेंट मैथड्स हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ चुके हैं डिफरेंट तरह से आज कल जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है बाई इन वर्क आपके इतने अच्छे से अच्छे जो है टेक्नोलॉजी हैं उसके बारे में बताया जाए बच्चों को मैथड्स बताए जाएँ ताकि उनको फैसेटेट किया जाए आज कल आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हम पुराना सलेबस पढ़ा के क्या फ़ायदा हासिल कर रहे हैं मेक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लिया देखिए प्राइवेट स्कूल सिर्फ पैसा कमा रहे हैं अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जब कोई बंदा अनएम्प्लॉयड होता है तो गवर्नमेंट को उसकी कॉस्ट देनी होती है बहुत सारी जो है वो कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं यानी कि जो बंदा अनएम्प्लॉयड है उसको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की जानब से हर महीने मिलता है ये डिफरेंट कंट्रीज़ में होता है और यहाँ पे भी पाकिस्तान में क्योंकि अनएम्प्लॉयड है तो बाद में जाके वो क्या करेगा वो चोरी चकारी करेगा खाना तो उसको खाना है तो ये कॉस्ट है पाकिस्तान के जो कि सिक्योरिटी लेवल्स बनाने में उसको लगती है तो इस कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करना चाहिए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को रिएबल करना चाहिए यानी कि उनको ये कहना चाहिए कि आप अपने बच्चों के रिकॉर्ड्स बनाएं जो आपके बच्चे छोड़ के जा रहे हैं क्या उनको जॉब मिली नहीं मिली अगर उनको जॉब नहीं मिली तो आपका ये काम है कि उनको पहली जॉब आप दिलाएं किसी तरीके से अगर आप नहीं दिलाएंगे तो आपको पेनल्टी होगी और वो पेनल्टी गवर्नमेंट को मिलेगी और उससे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जो है वो सिक्योरिटी लेवल्स इंप्रूव कर सकते हैं और अच्छे से बजट कर सकते हैं अनएम्प्लॉय बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं तो इस तरीके से जो बर्डन है वो प्राइवेट स्कूल्स पे भी डालना चाहिए और इसी तरीके से हमें इंटरप्रनोरशिप को भी जो है वो ज़्यादा अपने बच्चों में जो है वो डालना चाहिए कि जॉब नहीं है तो कोई बात नहीं है आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं अच्छे से सोचो आइडियाज़ लेके आओ और अच्छी जो है वो इन्वेंशन लेके आओ तो ऐसा नहीं है कि सर जॉब नहीं मिली तो आपने कुछ किया ही नहीं आप इंटरप्रनोर्स को बढ़ाएं इसका एक और जो है सोल्यूशन वो ये है कि देखें पाकिस्तान में जिस तरह से बजट दिया जाता है हर एक गवर्नमेंट स्कूल्स को बजट होता है तो उसको ऐसा करना चाहिए कि हर स्कूल को कुछ ना कुछ बजट इंटरप्रेनोर्स के लिए भी देना चाहिए यानी उनको अगर फाइनेंसिंग करनी है तो वो स्कूल्स उनको फराम करें उनके आइडियाज़ को देखे और उनको फाइनेंस करें ताकि इस तरह से उनका बिज़नेस जब ओपन होगा तो फिर उनको जब उनका बिज़नेस चलेगा उसके बाद फिर आपको वो जो लोन उन्होंने लिया है वो आपको वापस भी दे सकते हैं तो इस तरह से फैसिलिटेट करेंगे तो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी ख़त्म होगा और जो है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतरी में आएगा क्योंकि सिर्फ एजुकेशन सिस्टम का ये काम नहीं है कि आपको एजुकेट करें आपको जॉब दिलाना भी उनका काम है फिर हमें प्रमोट करना चाहिए कि मेरिट बेस्ड टीचिंग सिलेक्शन होनी चाहिए फिर जो करिकुलम है वो यूनिवर्सल होना चाहिए हर जानेब चाहे वो कैम्ब्रिज हो चाहे वो फेडरल हो मदरसा हो हर जानेब करिकुलम सेम होना चाहिए इंस्ट्रक्शन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेम होना चाहिए सबको या तो उर्दू में पढ़ना चाहिए या सबको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए एक लैंग्वेज में पढ़ाया जा सके जिस तरह से चाइना में चाइनीज़ पढ़ाई जाती है जर्मनी में जर्मन जो है वो पढ़ते हैं फिर हमारे पास रिसर्च एंड उसका कल्चर जो है वो प्रमोट करना चाहिए तो so ये कुछ रिकमेंडेशनस थी जिसके हिसाब से हम एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच होपफुली आपको एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान सिस्टम समझ आ गया होगा